लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने केंद्र सरकार की साजिश बताया है। साथ ही लालू प्रसाद यादव के साथ नाइंसाफी हो रही है, कहा है। दरअसल राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू अपने पैतृक निवास लोहरदगा पहुंचे थे। यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन के विस्तार पर चर्चा की। मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसमें केंद्र सरकार की साजिश है। ये अच्छी बात नहीं है, लालू जी वर्षों से जेल में रहे हैं, ये दर्शाता है कि ये बदले की राजनीति अपनाई जा रही है और इस पर अंकुश लगनी चाहिए। हमारा ये भी मानना है कि रघुवर सरकार के समय से भी जांच होनी चाहिए, उनके समय में भी क्या क्या हुआ नहीं हुआ। आप वहाँ तक अगर जाइएगा तक, चूँकि पूजा सिंघल उस समय भी काफ़ी मैंने इस मामले में बदनाम हो चुकी थी। इसके अलावा एक दो और आईएएस लोग जो हैं वो लोग भी बदनाम हुए थे। तो हम चाहते हैं कि अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो हम चाहते हैं कि केवल बीजेपी आरोप लगाने से ही नहीं होता है, आरोप को सीधी भी करना होता है। तो इससे अच्छा है कि दोनों मामला को, जैसे पिछली सरकार में जब पूजा सिंघल जी थी उस समय से लेकर के अभी तक जांच हो जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जाकर कि कौन कचरवार है कौन नहीं कचरवार। ये तो केंद्र का ये साजिश है बेचारे। हमको लगता है कि जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। खास करके लालू जी बरसों से जेल में रहे, आज फिर उनके यहाँ सीबीआई छापा पड़ रहा है, तो ये दर्शाता है कि बदले की रणनीति अपनाई जा रही है और ये अच्छी बात नहीं है और इस पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है जाकर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।